नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रोमपाद स्वामी नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गधार शिवाशादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिविनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यनामनाभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं सागरजतं सगुण रघुनाथनितं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितम् कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सगुण ललिताभिषेकनितं स हे कृष्ण कृणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गधार शिवशादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and taking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnava. So today's discussion 5.16. Yesterday's discussion नद्यते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत्यं विभु अज्ञानेन आवृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान इसमें बोलते हैं कि मैं किसी का पाप का या किसी का पुण्य का ये फल मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो हम लोग जंतु या जितना भी हम लिविंग एंटिटी है ये अज्ञान का द्वारा आवृत हो गया हमारा ज्ञान, तो इसलिए हम सफर करते हैं। एक्चुअली मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज हम लोग का क्या है, अज्ञानता। एक बच्चा नहीं जानता कि आग में हाथ लगाएगा तो आग उसको उसका हाथ को जला देता है तो दुख प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग भी अज्ञान का अज्ञान अंधकार में रहते हुए ये जो है हम लोग सफर करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो भगवद्गीता का शुरू में वो लिखते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये जो होल भगवद्गीता का जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग को अज्ञान से अज्ञान के रूप अंधकार से निकलने के लिए भगवान ने ये टच दिया है। ये जो है जैसे भगवद गीता श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवत मतलब पुराण अर्क, अर्क मीन्स इज सन, तो पुराण, तो पुराण अर्क श्रीमद्भागवतम अमर पुराण ये दिए हैं कि ज्ञान रियल ज्ञान क्या होता है कि भगवान को जानना। तो इसके लिए भगवान को जानने से फिर उनका साथ में संपर्क उनको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे संबंध ज्ञान होगा, संबंध जानने से फिर अभिधेय भगवान के साथ में संपर्क रिलेशनशिप भाई भक्ति प्रोसेस में रह के करना है। देन विल बी गेटिंग आवर अल्टीमेट रिजल्ट जो है कि प्रयोजन जो है क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। इसलिए अज्ञान से निकलने के लिए भगवान ये यहाँ पे जो हम लोग को जो जंतु ऑल आर सफरिंग जो सब कोई सफर कर रहा है बिकॉज अज्ञान में रहते हुए, क्योंकि सही के गलत और गलत को सही हम लोग सोचते हैं। तो इसी हिसाब से शरीर को आत्मा, आत्मा का शरीर या उसी कंसेप्ट में रहते हैं कि आत्मा कंसेप्ट में नहीं रहते हम शरीर के कंसेप्ट में रहते हैं। तो शरीर को अगर हमारा डेफिनेशन शरीर हो गया तो हम सब कुछ हम लोग शरीर का संबंधी चीज को ही प्रायोरिटी देते हैं। जब हम आत्मा को हमारा आइडेंटिटी हम आत्मा है जानेंगे तो आत्मा रिलेटेड सब कुछ करेंगे। शरीर को जानेंगे, शरीर के रिलेटेड शरीर को खाना पीना आहार निद्रा भय मृत्यु इसके लिए लगे रहेंगे। मन का धर्म है, संकल्प विकल्प है, कभी यस है कभी नो, तो मन ऐसे करते रहेगा। तो लेकिन आत्मा का जो धर्म है सभी पुंस पर धर्म जत भक्ति अध्य शक्ति
अहेतुकी अप्रतिहत जजात्मा सुप्रसिद्धि। तो आत्मा सैटिस्फाई कब होता है? जब भगवान का हम अनलिमिटेड अनइंटरप्टेड एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो हम सेवा करते रहते हैं उसके बदल में हमको ये आत्मा का सेटिस्फेक्शन आत्मा को मिलता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा साथ में सेवा का माध्यम में जुड़ा रहता है। इसीलिए ये सबका धर्म होता है, सब मनुष्य का यही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है, इसको बोलते हैं सनातन धर्म। ये जो सेवा है भगवान का, इसको बोलते हैं सनातन धर्म है। तो आदमी जो जीव है वो सनातन है, भगवान सनातन है, हमारा संपर्क भी सनातन है। हम टेम्पररी संपर्क में रहते हैं जो कि बॉडीली कॉन्सेप्ट में है एंड उसके लिए हम लोग सफर करते हैं। इसीलिए जो हमारा ओरिजिनल पोजिशन को हम रिवाइव कर सकते हैं कृष्ण कॉन्शियस के माध्यम में, तभी हम खुशी से रह सकते हैं। इसलिए अज्ञान अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, जब पीपल गेट बिवल्डर्ड बिकॉज माया हम लोग को बिवल्डर कर देता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण दान है माया अधिकार। कृष्ण जस्ट लाइक ए सनलाइट। एक राजा एक बार कहा कि भाई मेरे को रात में की सूर्य देखना है, स्वर्ण को देखना है। तो इसलिए उन लोग का जितना भी सैन्य है उस पटवाल है सबको लगाया, तो सबको एक एक मसाल जला के फिर ट्राई किए कि सन को दिखाने के लिए। तो जब सन अपना अपने टाइम होगा, सन सूर्य उस टाइम में उदित होते हैं, तो रात में अगर हम लोग बहुत सारा मसाला लगा भी देगा, बहुत सारा लाइट मैंने कितना हाई बल्ब हाई कैपेसिटी का बल्ब लगाएगा, तो अभी हम सन को देख सूर्य को देख नहीं सकते या सूर्य को प्रकाश नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए एक रात में भी ऐसे ही घटना, हमारे टीचर बोलते थे कि एक आदमी जो उसका घर का ऊपर में छत का ऊपर चला गया और जाके रात में देखने लगा कि एक बड़ा लाइट आ रहा है, तो वो सोचा कि सूर्य आ गए, लेकिन वो लाइट क्या था कि वहाँ पे जो फ्लाइट है उसका कुछ लाइट दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो सोच रहा कि ये आ गए हैं, सूर्य आ गए, लेकिन सूर्य आने से प्रकाश आने हो जाता है। तो उस टाइम में किसी को इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है कि सूर्यदेव आ गए हैं, तो क्योंकि ये छोटा लाइट इस टाइप का बल्ब नहीं है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि सूर्यदेव आगे हैं। तो इसको ट्राई करके दिखा नहीं सकते हैं या उनको मैनिफेस्ट करा नहीं सकते हैं या उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कृष्णा जहाँ पे रहते हैं तो कृष्णा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अज्ञान दूर हो जाता है। यही कहने का मतलब है जो सन आते हैं टोटल अंधकार चला जाता है, लेकिन मसाला जला के या जो बल्ब लगा के हम कोई अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो उतना दूर नहीं कर सकते हैं। वो छोटा सा लाइट है या छोटा जो है अंधकार दीप जैसे है। तो इसलिए यहाँ पे जब भगवान आ जाते हैं लाइफ में तो सारे अंधकार चला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड क्लियर कॉन्शियसनेस। क्लियर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो रहता है उसका कोई डाउट नहीं रहता है, और जो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है उसका उसका जो एटीट्यूड में भी जो कर्म है करता है वो कृष्ण कर्म हो जाता है। उसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि ये आदमी ये भक्त ऐसे क्यों किया, वो भक्त ऐसे किया। हम लोग का बुद्धि कम है इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शुद्ध साधु का एक्टिविटीज को ट्राई करते हैं उसको जज करने के लिए। तो ये जजमेंटल प्रोसेस में हम रह जाते हैं, ये जो कि हमारा भक्ति का मार्ग में नुकसान करता है। तो इसीलिए शुद्ध साधु को कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो सूर्य समय उसी टाइप का ये जो है वैष्णव क्रिया मुद्रा ज्ञान विज्ञ ना बुझाए। जो वैष्णव है शुद्ध भक्त होते हैं उसका क्रिया मुद्रा उसका कार्यकलाप है एक्टिविटीज को कोई समझ नहीं सकता है अपना जो छोटा सा बुद्धि के माध्यम है। तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे वो जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए कृष्ण का एक्टिविटीज को जैसे हम लोग कोई फॉलो इमिटेट नहीं कर सकते हैं, बड़ा बड़ा जो जितना भी महाजन है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको इमिटेट नहीं करना पड़ता है। इसलिए महाजन जन गतस्य पंथा, तो द्वादश महाजन है, तो इसलिए वो द्वादश महाजन को जो रास्ता छोड़ के गए हैं तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। एक बड़ा जंगल में हम जो समुद्र ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है इसको भव सागर का साथ में कंपेयर किया गया है, दूसरा इसको भी एक फॉरेस्ट का साथ में कंपेयर किया गया है। तो ये फॉरेस्ट है उसे हम लोग निकलने के लिए चाहेंगे, भवसागर से निकलने के लिए चाहिए, अपना बलबूत में निकल नहीं सकते। तो इसलिए महाजन सब कोई फॉरेस्ट में कोई जंगल में फंस गया है, रास्ता नहीं दिखता है, तो वो पहले ढूंढना पड़ता है कि कोई फुट स्टेप है क्या, कोई पदचिन्ह है इसमें, कोई गया है कहीं बाहर में, तो उसको पदचिन्ह को हम लोग फॉलो करके निकल सकते हैं। और हम
अपना तरीका एक तरीका से निकलने के ट्राई करेंगे तो उसमें फंस ही जाते हैं, उसमें निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए रेदर उससे और भी बेहतर है, अगर कोई ऊपर से हमको आके उठा के लेके जाए हेलीकॉप्टर में तो हम निकल सकते हैं। लेकिन या नहीं तो जो महाजन है उनका जो पथा पंथ दिया गया है, पथा जो दिया गया है, इसका जो रास्ता दिया गया दिए हैं हम लोग को, जो रास्ता दिखाए हैं, जो पदचिन्ह पड़ा है उसको अगर फॉलो करेंगे तो इमीडिएटली इजीली हम वो जंगल से निकल सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे चलते जाएगा, कितना जिंदगी भी चला जाएगा तो ये भव सागर से निकलना, ये जो फॉरेस्ट से निकलना है बहुत मुश्किल होता है, इसमें निकल नहीं सकते हैं। तो उसी जगह में हम रहेंगे, घूमते रहेंगे, बाहर निकल नहीं सकते। इसीलिए जो जंतु क्या है ना, अपना जो बुद्धि लगा देता है तो वहाँ पे मुह्यंती हो जाता है। तो मुह्यंती सूर्य, जो सूर्य मीन्स देवतागण भी भगवान का भगवान को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि देवता ऋषि ये सब कहाँ से, भगवान से आते हैं। तो भगवान से आते हैं, जैसे पिताजी बच्चे का पैदा हुआ ना, होने का पहले पिताजी क्या किया वो नहीं जानता है, और उसके बाद में भी पिताजी को जानने के लिए बच्चा का उतना, जो बेटा का उतना कैपेबिलिटी नहीं है उसका, जो कि पिता को सब कुछ उनका बारे में जान सकता है। इसीलिए जब पिता बताएंगे तो पिताजी के पास में बैठ के पूछेगा, पिताजी आप पहले क्या करते थे, आप बचपन में क्या क्या पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते, क्या करते थे, कैसे करते, वो पूछेंगे। पूछने से वो बताएंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम पिताजी को वो नहीं जानते। कि कोई बोलते हैं कि कोई एक बच्चा गया तो बोलता है कि किस मैरिज में गया, तो बोलता है कि ये मैरिज हुआ, तो देखता है कि पूछता है कि पिताजी आपका मैरिज हुआ क्या, तो इसके कैसे पता चलेगा मैरिज हुआ, वो तो मैरिज के बाद में आया। इसीलिए वो जो उसको पूछने से ये बोलेगा हाँ मैरिज हुआ। तो इसी टाइप का जो है, हम लोग को भगवान का बारे में जानने के लिए कोई शुद्ध साधु का माध्यम है और अपना बुद्धि नहीं लगा के उसको ग्रहण करना पड़ता है। नहीं तो अपना बुद्धि में जो लगाएगा तो उसमें ये मुहंते रहेंगे, हम लोग पूरा फंसते जाएंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि मुहंती, तो हम लोग उसी में फंस के रहेंगे। तो इसलिए उसे निकलने के लिए तो ये रास्ता ओनली रास्ता यही होता है कि हम लोग छोटा है जानते हैं, हम अनु है, भगवान विभु है, तो इसलिए उनका जो क्वालिटी है हम क्वांटिटी कम है, हमारा सेम क्वालिटी लेकिन वही है, हम उन्हीं का क्वालिटी में रहते हैं लेकिन बहुत कम में है। तो इसलिए उनको जानने के लिए हमारा जो अनु पोजिशन से, हम छोटा बुद्धि से भगवान को बड़ा इतना जो उनका जो क्रिएशन है उसको जान नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि उनको सरेंडर कर लें और उनका जो दिया हुआ रास्ता उसको फॉलो करें, तो तब सही महीने में हम ये जो जंगल से निकल सकते हैं। नहीं तो यही जंगल का अंदर में हम लोग फंसते जाएंगे और इससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए द लिविंग एंटिटी इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन इट्स डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। By the will of the supreme, he can go to heaven or hell as he cloud. कल हम डिस्कस ये इसके बारे में कर लिए थे। तो 16 श्लोक में ज्ञानेन तु तद अज्ञानम जैसम नासितम आत्मनः देशम आदित्य ज्ञानम प्रकाश्यति तो परम। ज्ञानेन मीन्स ज्ञान का द्वारा, बाई नॉलेज तु किंतु दैट अज्ञानम नेसेंस ये जैसा भूज नासितम डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉयड आत्मा बाई द लिविंग एंटिटी देशम उनका देयर आदित्यवत, आदित्य मीन सूर्य, लाइक दिस राइजिंग सन ज्ञानम नॉलेज प्रकाश्यति डिस्क्लोजेस तत्परम कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हेन हाउएवर वन इज एनलाइटेड विद द नॉलेज बाई व्हिच नेसेंस इज डिस्ट्रॉयड देन हिज नॉलेज रिवील्स एवरीथिंग एज द सन लाइट्स अप एवरीथिंग इन द डे टाइम। दैट इज द थिंग व्हाट वी आर जस्ट डिस्कसिंग। तो ये है परपोर्ट में श्लोक प्रभुपाद बोलते हैं, दोज हु हैव फॉरगॉटन कृष्ण मस्ट सर्टेनली बी बिवल्डर्ड। तो कृष्ण को भूल गया तो माया में फंस गया तो वो भूल जाएगा, फंस गया। बट दोज हु आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आर नॉट बिवल्डर्ड एट ऑल। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड क्लियर कॉन्शियसनेस, वो बिल्कुल मुझत नहीं होता है, वो जानता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन वो क्या जानेगा, उसको वो जान नहीं पाएगा जब वो महाजन को साधु को फॉलो करेगा। इसीलिए क्लियर कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं भी गुरु कॉन्शियसनेस। तो गुरुदेव जो बोल दिए हैं उसको अगर फॉलो कर दिया तो ही इज नाउ क्लियर, तो उसको डाउट नहीं है क्योंकि वो महाजन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए
इट इज स्टेटेड इन भगवद्गीता सर्वम ज्ञानम प्लावेन दानेनी ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि एंड एंड नो ही ज्ञानेन सदृशम नॉलेज इज ऑलवेज हाईली एस्टीम एंड व्हाट इज दैट नॉलेज परफेक्ट नॉलेज इज अचीव्ड व्हेन वन सरेंडर टू कृष्णा इट सेड इन द 7th चैप्टर 19th वर्स बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान भान माम प्रपदंत इफ यू हैव रियल नॉलेज देन वो क्या करना चाहिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बहुत बहुत जन्म के बाद में भगवान को बहुनाम जन्मते ज्ञानवान माम प्रपदंते भगवान को सरेंडर करते हैं वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा सुदुर्लभम वासुदेव जो वासुदेव का पुत्र वासुदेव लेकिन वासुदेव का दूसरा मीनिंग भी है सर्व कारण कारणम उसका मीनिंग वही है वासुदेव वर्ड का मीनिंग तो सर्व कारण कारणम है ये जान सकता है और उनका पास में सरेंडर कर सकता है। हम लोग सोचते हैं भगवान क्या सर्व कारण कारणम है तो हम लोग को जब एक चीज को पकड़ के अंदर में जाते जाएंगे तो पता चलेगा लास्टली हम भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। सपोज सोचेंगे ये फूल कैसे हुआ ये फूल कहाँ से आया तो हम लोग देखेंगे फूल जो है पेड़ से आया वो पेड़ कहाँ से आया तो देखेंगे वो बीज से आया तो पेड़ का बीज कहाँ से आया ना उसका पहले कुछ फल होगा तो वो फल कहाँ से आया फिर पेड़ है तो ये पेड़ कहाँ से आया फिर जाएगा मिट्टी 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 कहाँ से आया तो अर्थ वाटर फायर एरिया सर ये कहाँ से तो सारे चीज फिर जाते थे देखेगा कि सारे चीज भगवान से आया क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी कर दिए ब्रह्मा कहाँ से आए फिर ब्रह्मा का पोजीशन देखना पड़ेगा ब्रह्मा जो है तो अल्टीमेटली कृष्णा से सब कुछ आते हैं कृष्णा देन कृष्णा एक्सपेंशन बलराम बलराम का एक्सपेंशन फास्ट चतुर्भी हो देन उसमें संकर्षण से फिर नारायण आते हैं नारायण से फिर सेकंड चतुर्भी आते हैं तो उसके बाद में महाविष्णु आते हैं उसके बाद में गर्भदक्ष विष्णु आते हैं उसके बाद में त्रिदक्ष विष्णु आते हैं उसमें ब्रह्मा आते हैं तो क्रिएशन इस टाइप का होता है पर हम ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं तो उनका पास में सिर्फ मनु आते हैं इस टाइप का सारे प्रोसेस में आएगा तो ह्यूमन बींग कैसा आया वो भी देखेगा उसी से फिर डिफरेंट जड़ डिफरेंट प्लांट्स भी उनसे आते हैं डिफरेंट ऋषि से और डिफरेंट अलग अलग ऋषि से फिर डिफरेंट रेप्टाइल्स भी आ रहे हैं तो इस टाइप का डिफरेंट जगह से वो सोर्स एक ही होता है भगवान है तो इसलिए वो जाएगा वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा शुद्ध बोलते पता चलता है आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी मेनी बार्स व्हेन वन परफेक्ट इन नॉलेज सरेंडर टू कृष्णा कौन जो जे भोजे कृष्ण से बड़े चतुर कृष्ण को कौन सरेंडर करता है जो बुद्धू आदमी वो सरेंडर नहीं करता है जो रियल इंटेलिजेंट है वो कृष्ण को सरेंडर करता है एंड वो जानता है कि कृष्ण सब कारण का कारण है तो वहां अगर कृष्ण को सेटिस्फाई कर दिया है जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट और वो जानता है कि हर जो हर चीज का जड़ है भगवान है तो इसे जड़ में पहुंच गया जैसे सांख्य फिलोसफी जड़ को आइडेंटिफाई करता है भक्ति योग में जड़ में पानी देता है तो रूट में तो इसीलिए भगवान को पता चल गया तो भगवान को सेटिस्फाई कर देगा तो ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड वी ट्राई टू सेटिस्फाइड इंडिविजुअली एक एक आदमी को एक एक पेड़ का एक एक पत्ता को हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है तो हम अगर कृष्ण को सेटिस्फाई कर दिए कृष्ण कैसे सेटिस्फाई करेंगे गुरुदेव को सेटिस्फाई किए तो गुरुदेव को सेटिस्फाई कर दिए तो कृष्ण सेटिस्फाई हो गए जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य अप्रसाद नागति कुतोपि तो भगवान को खुश करने के लिए कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको खुश करना पड़ता है तो अगर वो उनको खुश कर दिए तो हम लोग कृष्ण को खुश कर सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे व्हेन वन परफेक्ट इन नॉलेज सरेंडर टू कृष्णा एंड व्हेन वन अटेन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस देन एवरीथिंग इज रिवील्ड टू हिम एज एवरीथिंग इज रिवील्ड बाय द सन इन द डे टाइम द लिविंग एंटिटी इज बिल्डेड इन सो मेनी वेज फॉर इंस्टेंट व्हेन ही अननेसेसरीली अनसेरेमोनियसली थिंक हिमसेल्फ गॉड ये एक्चुअली फॉल्स इनटू द लास्ट नियर ऑफ नेसेंस बहुत सारे लोग हैं अपने को भगवान मानते हैं एंड उसको जानते हो कि वो लास्ट नियर ऑफ माया माया में फंस गया सबसे जनता में लास्ट जनता में घुस गया मतलब वो निकल नहीं सकता इफ यू लिविंग इट इज गॉड देन हाउ कैन ही बिकम बिल्डर बाय नेसेंस मतलब भगवान को तो सब कुछ मालूम है तो ये कैसे अंधकार में चला गया हैज गॉड बिकम बिल्डर बाय नेसेंस इफ सो देन नेसेंस और सतान इज ग्रेटर देन गॉड अगर भगवान यदि मोहयंती हो जाते हैं तो जो मोह करते हैं तो माया भगवान के ऊपर में हो जाते हैं लेकिन माया जो है भगवान का एनर्जी है उनका अंडर में है भगवान माया अधीश है द रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्सन हु इज इन परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर फोर तो हम लोग कैसे नॉलेज पाएगा जो जानता है उसे ज्ञान लेना पड़ेगा हम एक चोर के पास में जाएगा तो चोर का बुद्धि हमको वो सिखाएगा साधु के पास में जाएगा साधु वो भगवान के बारे में सिखाएंगे देयर फोर वन इज टू सीक आउट सच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अंडर हिम लर्न व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इसमें प्रभुपाद हर हर परपट में 90% का ऊपर में जो
भी पर्पट देखेंगे, इसमें हर पर्पट में दो ही चीज रहता है। हमारे टीचर बोलते हैं सारे पर्पट मैंने जितना पर्पट है तात्पर्य है प्रोपर सारे में दो चीज दिए हैं। एक चीज है कृष्ण का भक्ति करना है, दूसरा आचार्य उपासना आचार्य का माध्यम जाना है। यही दो चीज आपको सब जगह मिलेगा कि हर हर पर्पट में दो ही चीज मिलता है। एक तो कृष्ण को कैसे अनन्य भक्ति करना पड़ेगा और उसको करने के लिए क्या प्रोसेस है ना, कोई आचार्य है जो साधु है शास्त्र है का माध्यम है गुरु का माध्यम है उनको जाके सेवा करना पड़ेगा। तो यही प्रोपर सबसे बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे दिल्ली तो सेम चीज बोलते हैं, दिल्ली सेम चीज बोलते हैं, तो क्या है नया तो कुछ है ही नहीं। तो प्रोपर नया चीज कोई नहीं दिए है, नया उसका जो है यही होता है कि एप्लीकेशन ही नया होता है। तो इसमें थ्योरी तो सेम है, थ्योरी पे तो सेम है, थ्योरी जान गए लेकिन हम लाइफ में अप्लाई नहीं किए तो हायर टेस्ट क्या आएगा। तो जब तक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक चीज अपनी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रास्ता रास्ते में जाने के टाइम में, तब दूसरा कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बढ़ने के लिए जो थ्योरी जान गया उसको कितना डिग्री में हम अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडिंग अपन पर्सन टू पर्सन बट एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ बट दिस थ्योरी डजंट नेवर चेंज। तो ये फिक्स्ड है ये थ्योरी। तो बट कृष्णा इज ऑल दिस जो नवजौवन द एवरग्रीन, तो इसीलिए कृष्ण के साथ में कृष्ण के बाद कृष्ण इज एब्सोल्यूट, उनका जो बारे में उनका सुनना उनका नाम उनका रूप गुण लीला सब उनसे अभिन्न होते हैं और जितना बार हम देखते जाते हैं सुनते जाते हैं उसमें और भी और टेस्ट मिलते जाता है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद ने पूरा इसमें बोल दिया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या करना है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाना है, अंडर हिम लर्न व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एंड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस विल सर्टेनली ड्राइव अवे ऑल निशाइंस। तो हम कृष्ण को ले लिया, कृष्ण भावनामृत में आ गया तो उसमें माया कहाँ रहेंगे, अंधकार है चला जाएंगे। तो फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस विल सर्टेनली ड्राइव अवे ऑल निशाइंस एज द सन ड्राइव्स अवे डार्कनेस। इवन दो ए पर्सन मे बी इन फुल नॉलेज दैट इज He is not this body, but he is transcendental to the body. He still may not be able to discriminate between the soul and super soul. Even though a person may be in full knowledge, पूरा ज्ञान में रहते हुए, that ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम लोग जानते हैं theoretical हम जानते हैं शरीर नहीं हूँ, फिर भी हम शरीर के concept में काम करते हैं. He still may not be able to discriminate between the soul and super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. तो पर कितना सेम चीज को दो बार यहाँ पे दो लाइन का अंदर में बोल दिए कि बार बार बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड जो परंपरा में रहते हैं, चार परंपरा कृष्ण से आए हैं उसी परंपरा में जो रहते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? आजकल ड्रेस पहनने से बोनाफाइड नहीं हो जाता है, उनको देखने से अब देखने से बाहर से भी पता होगा नहीं होगा लेकिन उसका एक्टिविटी देखना पड़ेगा। जो मूर्ख होता है वो एक आदमी उस मूर्ख या पंडित एक चीज से पता चलता है, जो बात करता है ना उस बात का टाइम है, वो जो बात करता है उस पता कर चलता है कि मूव इफ ही शट हिज माउथ एंड ही बिहेव्स लाइक ए जेंटलमैन एंड उसका ड्रेस कपड़ा देख के हम लोग सोचते हैं जेंटलमैन है, लेकिन वो जो बात करना शुरू करेगा तभी पता चल जाता है वो मूर्ख है ये क्या है। इसीलिए जो है स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का एक्टिविटी देखना पड़ेगा। 24 आवर्स वो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं, वो बात करते हैं तो भगवान के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं तो भगवान का बारे में सुनते हैं, खाते हैं तो प्रसाद पाते हैं, तो हर चीज कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं 24 आवर्स। तो साधु का ये डेफिनेशन है तो अपिचित शूद्राचार्य भजतम अनन्य भाव 24 आवर्स अनन्य भाव में जो भगवान का सेवा करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साधु। तो उसका पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये जो है पार्ट टाइम हम लोग कुछ जैसे कोई पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं जाके कहीं पे, तो उस टाइप का ये भक्ति पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं होता है। और भक्ति में जो रहता है उसे ऑटोमेटिकली हमारे टीचर बोलते हैं एक जैसे आप कोई स्कूटर चलाना शुरू किया या कभी बाइक, कुछ तो एग्जांपल देते थे बाइसाइकिल का, तो बाइसाइकिल जब चलाता है शुरू में वो पहले पता नहीं चलता है यार चलाने का टाइम हम लोग कहाँ क्रिंग क्रिंग बेल लगाएगा, यहाँ करने का टाइम पैर में आपका पेडल नहीं लगता है, तो इधर देख रहे तो उधर, जैसे हम कार भी चलाते हैं शुरू में जब कहीं पे एक्सीलेटर है तो वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है अरे कहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक का जगह में एक्सीलेटर लग जाता है जाके एक्सीडेंट कर देता है। तो वो तो इनिशियल लेवल में ऐसे होता है, बाद में वो उसको नहीं देख के भी आराम से दूसरा काम करते हुए भी ड्राइव करके चला जाता है। तो उस टाइप का हमारा एक डिवोटी है IIT में थे, तो हमारा टीचर बोलते थे वो जब सवेरे आते थे इनका खटारा साइकिल था, तो साइकिल का इतना एक्सपर्ट थे तो उनका दो हाथ में एक हाथ में बुक पकड़ते थे दूसरे हाथ में
मिल्क लाने का उनका सेवा था मॉर्निंग में, तो मिल्क का कैन पकड़ते थे एंड हैंडल पकड़ते नहीं थे, तो ऐसे करके वो आईआईटी कैंपस में चला जाते थे। तो उसी में वही एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वंस वन बिकम्स ए एक्सपर्ट डिवोटी तो उसका वो सोच के नहीं करता है, वो सोचना पड़ता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, इस सिचुएशन में क्या करूँ, वो सोचता नहीं है। बिकॉज जो पक्का डिवोटी बन गया कोई भी सिचुएशन में आता है तो कृष्णा कॉन्शियस वे में वो डील करता है। तो इसीलिए हमारे टीचर और एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्पॉन्ज को पानी में डुबा दो, इधर पानी में दे दो नहीं तो इंक दे दो, तो इंक देने से क्या होगा, वो स्पॉन्ज का एक ड्रॉप इंक देगा तो पूरा स्पॉन्ज का चारों तरफ में फैल जाता है। हमारा हृदय में भी इस टाइप का है कि कृष्णा कॉन्शियस हो गया तो भक्ति में रहते हैं तो सारे चारे तरफ ये भक्ति चला जाता है, मतलब इट स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग एंड उसका जो एक्टिविटीज है उसको आप देख के अभी क्या करना है, कौन सा सिचुएशन क्या करना है, ही नोज ऑटोमेटिकली ही इज गाइडेड, तो वो ऑटोमेटिकल जो करता है वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज ही करता है। तो हम लोग लेकिन मुहंती हम लोग तो जानते नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि वो प्रभु इस समय में इस टाइप में इसे क्यों किया, हाँ हम लोगों मन में आता है बिकॉज हम लोग मूर्ख है, हम लोग मूढ़ में है, मूढ़ा आदमी है, हम लोग डाउट आता है। तो इसीलिए जो रियल प्योर डिवोटी है उनको हाँ उनका एक्टिविटीज को बहुत माने विज्ञान लोग भी नहीं जान सकता है, लेकिन वो परंपरा में है 24 आवर्स। यही सिंपल चीज है डेफिनेशन भाई, 24 आवर्स कृष्णा का सेवा में रहता है क्या, इतना ही देख लीजिए बस, और कुछ इसका पैरामीटर नहीं है, इसका टेस्ट इतना ही कर सकते हैं इजीली। हाँ तो डेफिनेशन ये बोनाफाइड का है, तो हम लोग इसीलिए कोई साधु है 24 आवर्स कृष्णा का सेवा में है क्या देखना पड़ेगा। तो इसमें हाउएवर ही कैन नो एवरीथिंग वेल इफ ही केयर्स टू टेक शेल्टर परफेक्ट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे पता चलेगा, तो वो उनका सरेंडर उनको सरेंडर कर लिया, वो जो बोलता हम वही करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि भक्ति शुद्ध भक्ति हम प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम शुद्ध नहीं है लेकिन शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, शुद्ध भक्त का गाइडेंस में जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको जो प्रैक्टिस करता है इवन इफ इज नॉट प्योर तो वो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभुपाद जो सिस्टम दे दिया, सवेरे उठना ये करना ये करना ये करना, इसको करके फिर नेक्स्ट भागवत पढ़ना ये करना, फिर इवनिंग में ये करना, तो ये अगर बोल दिया ये प्रोसेस में जो आ गया वो शुद्ध भक्ति का प्रोसेस में है। ही मैनट भी शुद्ध कम्प्लीटली प्योर नहीं हुआ लेकिन शुद्ध भक्ति का आचरण कर सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वन कैन नो गॉड ऑन वन रिलेशन विद गॉड only when one actually meets a representative god, Prabhupada pura yahan pe de diye, a representative god never claims that he is god, although he is paid all the respect ordinarily paid to god because he has the knowledge of god। to isliye hum log kya karte hain, to acharya mam abhijaniyat to na vamanyat karichit so martya buddhya anusuyave तो सर्वदेव गोपमय गुरु। तो लाइक दिस आचार्यों को जो है आचार्य माम अभिजानियत, मैं आचार्य हूँ भवन बोल रहे हैं, मैं श्रीमद भागवतम आचार्य माम अभिजानियत, मेरे को आचार्य बोल के जानो, गुरु बोल के जानो, और गुरु और मेरा बीच में कोई डिफरेंस नहीं, भगवान बोलते हैं। नो मर्त्या बुद्धिया, हमारा मर्त्य बुद्धि में हमारा जो मेटरिस्टिक बुद्धि है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको एनवियस होते हैं। मैं आज सवेरे सोच रहा था पूजा का टाइम में, इतना मैं एनवियस है आदमी में, हमारा अंदर में एनवी है, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग लास्ट लाइफ में मैं प्रभु से पूछूंगा, प्रभु मैं लास्ट लाइफ में, ये आज मेरा मन में आ रहा था, प्रभु लास्ट लाइफ में मैं क्या सर्प था क्या, सांप था क्या, ये सांप का एनवियसनेस रहता है। तो हम इतना गिरा हुआ है, तो इसमें तो जो है वो मर्त्य बुद्धि में हम लोग गुरुदेव को ट्राई करते जानने के लिए, उनका कार्यकलाप को हम सोचते हैं कि वो हमारा जैसे ऑर्डिनरी आदमी है, तो वो भी हम खाते हैं वो खाते हैं, वो भी सोते हैं वो भी बाथरूम जाते हैं, तो हम लोग लेकिन हमारा जो बाथरूम जाते हैं वो आने जाने के बाद में, हम बाथरूम से आने के बाद में उस बाथरूम में जो जाएगा अगर कोई सेंट स्प्रे नहीं किया होगा तो वो बहुत गंदा रहता है, लेकिन जो हमारा बोल लेते हैं प्रभु ने, तो जो गुरुदेव है वो बाथरूम जाके जो आते हैं उसके बाद में अंदर में जाते हैं तो वो बहुत महक आता है, तो उसका मतलब ही माइट गो टू पास दिस टू लाइक अस बट उनका स्टूल हमारा स्टूल में डिफरेंस है। इसीलिए एक प्रभुपाद ने
प्रभुपाद ने एक बार कि कोई प्रभुपाद को पूछे, एक रिप्रेजेंटेटिव लाइक प्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद को पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, उसमें प्रभुपाद एग्जांपल दिए थे कि देखिए वो लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी तो देन शी टोल्ड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन आपका जो है आप जो टट्टी जाते हो तो हम जो अच्छा चीज खाते हैं खाने के टाइम में तो बहुत अच्छा अच्छा चीज खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं कर रहे हैं, और निकलता है क्या, निकलता में जो जो चीज निकलता है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते, उसमें बदबू भी आता है, तो मतलब हम जो मशीन है, हम हमारा अंदर में जो हम जो है ये क्या है, ये पूरा अच्छा चीज को खराब निकल के देता है, अच्छा चीज लेता है निकलता है खराब है, लेकिन शुद्ध साधु का हुआ नहीं है, तो उस शुद्ध साधु उसको खराब चीज को भी अच्छा निकाल के अच्छा करके निकाल देते हैं, तो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस टाइप का है, उनको हम लोग सोचते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी है, वो भी सोते हैं मैं भी सोता हूँ, वो कम वो ज्यादा ज्यादा सोते होंगे मैं ज्यादा कम सोता हूँ, हमारा मन में आता है था पहले, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रात में तो इतना जल्दी लेट में सोते हैं फिर जल्दी उठ जाते हैं, इस टाइप का हमारा गर्व मन भाव आ जाता है, तो हम लोग अरे वो तो इतना ज्यादा सोते हैं हम तो कम सोते हैं, तो हम तो बड़ा डिवोटी है, तो ये सब मेटेरियलिस्टिक मनोभाव है, तो ये चीज में हम लोग गुरुदेव को जज करते हैं, गुरुदेव को हम लोग जज करते हैं इस टाइप का या साधु साधु को, तो ये व्हिच इज वेरी डेंजरस एंड डिट्रोमेंटल डेट्रीमेंटल इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड नेवर क्लेम्स दैट इज गॉड, कभी भी जो शुद्ध साधु है कभी नहीं बोलता मैं भगवान हूँ, वो बोलता है मैं भी भगवान का संतान हूँ, दास हूँ, आप भी दास है, चलो दोनों मिलके हम भगवान का सेवा करते हैं, ये बोलते हैं, तो प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि आई एम गॉड, लेकिन दो सो कॉल्ड मेटेरियलिस्ट सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन दो जो आर श्योर डिवोटी दे क्लेम दैट आई एम गॉड, लॉर्ड श्री कृष्ण तो वन इज टू लर्न द डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड लिविंग एंटिटी लॉर्ड श्री कृष्ण देयरफॉर स्टेटेड इन सेकंड चैप्टर 2.12 दैट एवरी लिविंग बींग इज इंडिविजुअल एंड दैट द लॉर्ड ऑल्सो इज इंडिविजुअल, दे आर ऑल इंडिविजुअल्स इन देयर पास्ट, दे आर इंडिविजुअल इन द प्रेजेंट एंड दे विल कंटिन्यू टू बी इंडिविजुअल इन फ्यूचर इवन आफ्टर लिबरेशन, भगवान एंड भगवान इंडिविजुअल है, हम लोग भी इंडिविजुअल है, हम पहले भी थे, भगवान पहले थे, अभी भी है, बाद में रहेंगे, भगवान भी रहेंगे, तो हम लोग भगवान के साथ में मिंगल हो जाएंगे, इस टाइप का नहीं है, तो एट नाइट वी सी एवरीथिंग एज वन इन द डार्कनेस, बट इन द डे व्हेन द सन इज अप वी सी एवरीथिंग इन इट्स रियल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विथ इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज, तो हम अंधकार में क्या है, अंधकार हो या आंख को बंद कर दें, दोनों सेम चीज होता है, आंख को बंद कर देते हैं तो क्या है, कोई कुछ भी नहीं देखता है, सारे चीज समान है हमारे लिए, पूरा जगत अंधकार है तो जगत सब कुछ समान लगता है, लेकिन हम लोग जो आंख खोलते हैं तो डिफरेंट चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे बेड है, वहाँ पे कंप्यूटर है, वहाँ पे ये सब देख सकते हैं, तो इसीलिए हमको देखने के लिए क्या चाहिए, सन का हेल्प चाहिए, सनशाइन चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसके प्रेजेंस में ही हम दूसरा चीज को देख सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर नॉट ब्लाइंड, अगर हम ब्लाइंड नहीं है, अगर ब्लाइंड है तब तो कुछ भी नहीं देख सकते, तो इसीलिए जो इसका जो सन का प्रेजेंस में सन लाइट का प्रेजेंस में ही हर चीज को हम देख सकते हैं, सिमिलरली सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स क्या है, मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए कृष्ण को नहीं जानना पड़ता है, भगवान को नहीं जानना पड़ता है, तो भगवान लाइक सन है, भगवान का प्रेजेंस में ही हम अपना को भी पहचान सकते हैं, सन नहीं है तो हमारा अंधकार में हमारा अपना हाथ को भी हम नहीं दे सकते, तो इसीलिए जो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं कि हम आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब भगवान को जानना कि आत्मज्ञान ही होता है, भगवान को जानने से उनका एनर्जी कौन है, हम उनका पार्ट पार्सल एनर्जी जानते हैं, और भी उनका एनर्जी बहुत सारा है, तो इसीलिए हम भगवान को जानना मतलब अपने को जानना मतलब भगवान को जानना, क्यों, भगवान का प्रेजेंस में ही हम अपने को जान सकते हैं, भगवान को नहीं जानने से हम अपने को नहीं जान सकते, तो बहुत लोग भगवान को छोड़ के अपने को जानने के लिए ट्राई करते हैं, वो जो आत्मविज्ञान ट्राई करते हैं लगाने के लिए वो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल, दैट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, तो इसीलिए भगवान को जानने के लिए अपने को जानने के लिए भगवान को जानना पड़ता है, भगवान को जानने से सारे जगत को जान सकते हैं, तो इसीलिए ये कौन जानेगा, तो हाउ विल बी एबल टू नो इट बाय द मर्सी ऑफ गुरु गुरु कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई भक्त लता बीज,
इसलिए उसका कृपा होगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक में तद्बुद्धयस्तदात्मनस्तद्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कर्मस तद्बुद्धया दोज हुज इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इन सुप्रीम तत्त्मना दोज हुज माइंड्स आर ऑलवेज इन सुप्रीम तत्निष्ठा दोज हुज फेथ इज ओनली मीन्ट फॉर द सुप्रीम तत्परायणा वन हु कंप्लीटली टेकन शेल्टर ऑफ हिम गच्छन्ति गो अपुनरावृत्ति टू लिबरेशन अपुन आवृत्ति मीन्स दोबारा नहीं आता है ज्ञान बाई नॉलेज निर्धुत धुत मीन्स क्लीन निर्धुत क्लींस कलमस मीन्स गिविंग्स वेन वंस इंटेलिजेंस माइंड फेथ एंड रिफ्यूज चार चीज बोले हैं बुद्धि मन निष्ठा फेथ एंड रिफ्यूज शेल्टर आर ऑल फिक्स्ड इन सुप्रीम देन वन बिकम्स फुल्ली क्लींज्ड ऑफ मिसगिविंग्स थ्रो कंप्लीट नॉलेज एंड प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन हम भक्ति मार्ग में रहेंगे लिबरेशन पाथ में रहेंगे तो ये चार चीज जिसका इंटेलिजेंस बुद्धि मन फेथ शेल्टर सब सब भगवान का पास में है तभी वो लिबरेशन रास्ते में जा सकता है तभी उसका जितना कलम से अनर्थ है निवृत्ति हो सकता है और तभी अनर्थ निवृत्ति होगा तब फिर निष्ठा स्टेज में आ सकता है इसलिए आदु 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 श्रद्धा श्रद्धा इज फर्स्ट इसलिए बोलते हैं फेथ देन साधु संग देन भजन क्रिया देन अनर्थ निवृत्ति होता है देन निष्ठा आता है देन रुचि देन आसक्ति देन भावन देन प्रेम स्टेज में पहुंच सकता है इसीलिए परपोट में श्री प्रभुपाद टेलिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी पर्सनल ट्रुथ इज लॉर्ड कृष्णा द होल भगवद गीता सेंटर्स अराउंड द डिक्लेरेशन दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड सब जगह में भगवान पुरुष भगवान है सुप्रीम पर्सन पुरुषोत्तम है So that is the version of all Vedic literature. Paratattva means supreme pariality, who is understood by knowers of the supreme as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Bhagavan or the supreme person, Godhead, is the last word in the absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Matta Paratam Nanyat Kinchit Asti Dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmana hi Pratishtaham. Therefore, in always, always Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith and refuse. Mind, intelligence, faith and refuse. Charges are always in Krishna. Or in other words, one who is fully Krishna in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality in Krishna. And equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on path of liberation. So, sare chiz Krishna ka andar mein hai. One can thoroughly understand that there is duality in Krishna. So, duality in Krishna kaise aata hai? So, pehle to yahan batate hain ki Bhagwan ko jana means Brahman, Paramatma and Bhagwan teacher ko jana hai. Jise sun ko jana hai, matlab sun god ko jana hai, sun rays ko jana hai. Similarly, Bhagwan ka sharir se ek jyoti nikalta hai, Brahma jyoti hai, Brahman ko jana hai. तो फिर परमात्मा भगवान का एक्सपेंशन से होते हैं हर हृदय में बैठते हैं हर एटम में रहते हैं तो उसके बाद भगवान को जानना है टू हैंडेड फॉर्म में दो हाथ में भगवान अपना श्याम सुंदर फॉर्म है तो ये पूरा कंप्लीट जानना है तो इसको थियोरेटिकल जान लिए तो जान लिए वो बात नहीं है इसको जानने के बाद में भगवान के सेवा में लगेंगे तभी हम उनको जान सकते हैं तो ब्रह्मा ही प्रतिष्ठा तो इसे कंप्लीट जान लिए कैसे जानेंगे तो फिर उनका सेवा में एंगेज होंगे तब जान सकते हैं Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality in Krishna. The Bhagavan ka paas sare cheez rehta hai, dualities, good and bad. So of course, God is all good, now bad is there. But sometimes we see, hum log ko pata lagta hai ki Bhagavan ka andar mein koi kharabi hai. Lekin Bhagavan ka andar mein koi kharabi nahi hai. So Bhagavan is beyond duality. Lekin yahan pe phir bole, everything is duality in Krishna. There is duality in Krishna. मीन्स साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी मीन्स से हम उनका साथ में समान भी है अचिंत्य भेदो अभेदो प्रिंसिपल से हम इक्वल टू हिम क्वालिटीली एंड नॉट इक्वल टू हिम इन क्वांटिटी तो दैट बोथ दी साइमल्टेनियसली तो ये अचिंत्य भेदो अभेदो दोनों एक्सट्रीम एंड को भगवान के पास में रहता है जैसे भगवान इज हम लोग अणु है भगवान विभु है लेकिन भगवान भी छोटा हो सकता है हमसे छोटा है कैसे हो सकता है ऐसे तो बोला कि अणु हम छोटा है भगवान विभु है फिर भगवान हमसे भी छोटा हो सकता है मतलब सोल से सुपर सोल और भी छोटा है तो इसीलिए
हाँ उसको देख नहीं सकते हैं, सोल तो सोल को तो देख नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र का वहां से जानते हैं 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर। तो हम अनिमा भगवान का जो अनिमा शक्ति भगवान, हम लोग अष्टांग सिद्धि में आता है कि छोटा से छोटा हो जाए, तो भगवान उससे भी छोटा है, महिमा तो भगवान बड़ा, सबसे बड़ा है भगवान, सब कुछ उनका अंदर में है, महिमा लघिमा जितना भी प्राप्ति भगवान को, हम यहाँ बैठ के सिद्धि के माध्यम में कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन भगवान का इच्छा में सारे जगत चलता है, तो इसीलिए हाँ हर कुछ हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ना लिमिटेड जो इंटेलिजेंस पावर है वो भगवान से आया, और जो सिद्धि भी मिला भगवान का कृपा से मिलता है, भगवान ही इसीलिए भगवान को बोलते जोगेश्वर, क्योंकि सारे जोगी का ईश्वर वही होते हैं, और जो परमात्मा को ध्यान कोई करते वही आध्यात्मिक है, जो ध्यान जोगी है परमात्मा को ही उनका हृदय में हम लोग का बैठ के वो ध्यान करते हैं, इसीलिए हुई इज कॉल्ड जोगेश्वर, ही इज कॉल्ड स्वर जोगी का वही ईश्वर होते हैं, तो सारे मिस्टिक ही इज द रियल मिस्टिक, सारे मिस्टिक है उनको जान नहीं पाएगा कोई, हम लोग जादू जादू का जादूगर के पास में जाते तो हम कुछ बिल्डर हो जाते हैं या कैसे वो आश्चर्य हो जाते हैं, लेकिन भगवान का बारे में हम जानने चाहेंगे तो कितना बड़ा भगवान के सारे एक्सट्रीम का, सारे एंड का, प्लस एंड माइनस दोनों का एक्सट्रीम एंड है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, भगवान का एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम करता है, तो हम जानते हैं सांप को बोलते हैं चक्षु श्रवा, उसका कान नहीं है वो आँख का माध्यम में सुनता है सांप, चले भगवान भी उस टाइप का, ये कहाँ से आया, भगवान का पास में है बोल के ये आया, तो भगवान उनका चक्षु का माध्यम में देख के ही सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, और देख के ही भगवान जो भोग लगाते हैं वो खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सुन के भी खा सकते हैं, हम भगवान को प्रेयर करते हैं प्रभु कृपा करके इसको ग्रहण करिए, हम तो नालायक है, तो भगवान हम भक्ति के साथ में अर्पण करेंगे तो ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान अपना एक अंग सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्र इसलिए बोलते हैं, और इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम करता है, भगवान अध्यक्ष जो भी है तो भगवान का सारे चीज अंग दूसरा अंग का काम करता है, तो इसीलिए भगवान का एक सब एक्सट्रीमिटी उनका पास में रहता है, भगवान को भोग लग हम भोग लगाते हैं तो भगवान को तो आत्मा तृप्ति आत्माराम है, उनको भोग लग ही इज नॉट हंग्री स्टिल देन ही टेक द ऑफरिंग्स भोग, तो क्यों माने क्यों भगवान हमको प्यार से हम उनको ऑफरिंग करते तो भगवान उसको ग्रहण करते, तो इसीलिए उनको भोग लग नहीं लगता है भोग भी लगता है, जब हम ऑफरिंग करते हैं प्यार से तो प्यार से बुलाते हैं तो भगवान को भूख लगता है, तो और जब भगवान गए थे दुर्योधन का घर में तो उस टाइम दुर्योधन उनको ऑफर किए थे कि आप कितना सारा छप्पन भोग बहुत सारा बनाया था, भगवान बोले मेरे को भूख नहीं है, क्योंकि भगवान को क्या कहना है, भगवान को आत्मा तृप्त होते हैं तो आत्मा राम है सैटिस्फाइड है उनको हर चीज तो नहीं, लेकिन फिर वहां से बोले मैं दो दो कंडीशन में लोग खाते हैं, एक तो भूख लगता है तभी खाते हैं, दूसरा नहीं तो प्यार से प्यार होने से लव एंड अफेक्शन होने से खाते हैं, Neither I have been book, neither you have been love. इसलिए हम यहाँ नहीं कहेंगे, तो जाते हैं विदुर का घर में, फिर वहाँ पे विदुर का विदुरानी उनको क्या देते हैं ना चेला केला केला देते हैं केला का, लेकिन छिलका देते हैं इनका भाव में रखे नहीं जान पाते क्या दे रहा हूँ, तो भगवान उसको छिलका खा लिए, तो भगवान को तो भूख नहीं लगता है, फिर भूख भी लगता है जब प्यार से कोई उनको ऑफरिंग करता है बुलाता है प्रेयर करके, तो भगवान उसको बोलते हैं पत्र पुष्प फलम प्रेम जो मैं भक्तिया प्रयोजित तदम भक्तिया प्रतम असनामी प्रयतात्मना, तो भगवान को प्यार से पत्र हो पुष्प पत्र दे दिए, थोड़ा सा तुलसी पत्ता दे के हम देते हैं, तो तुलसी पत्ता का कंपैरिजन में ये तीनों पूरा होल क्रिएशन में भी कुछ चीज है नहीं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए अगर प्यार से दे दिए तो इसलिए भगवान आदित्य आचार्य भगवान को बुलाया गंगा जल और तुलसी दे के वहाँ पे शालग्राम का ऊपर में भगवान को बुलाए थे, तो चेतना प्लीज आइए क्योंकि ये संसार वो तो खुद महाविष्णु थे फिर भी वो बोले मेरे से नहीं होगा, वो फिर स्वयं आप आइए जो कलयुग का लोग को उद्धार करने के लिए, तो इसलिए चेतना प्रभु स्वयं आए इसका बुलाने से, इस टाइप का भगवान पत्र दे पुष्प दे भगवान को, पुष्प तो गजेंद्र एक फूल दे दिया, गजेंद्र एक फूल पद्म फूल दे दिया, भगवान को लाइकिंग है तो पास में पद्म फूल था वो उठा के दे दिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो सबरी को बेरी सबरी राम जी को बेरी दे दिए, फल वाली थी जो थी भगवान छोटे जब थे लीला में जो थे छोटे तो उस टाइम में उनको पूरा फल ले लिए, फल मांग के ले लिए सारे फल, लेकिन वो उल्टा दे दिया पूरा उनका जो है तिजोरी भर दिए पूरा, तो उसका बास्केट पूरा फुल हो गया डायमंड में इसमें सारे में, तो भगवान को पत्र पुष्प फलम तोयम
पानी ऑफर करके हम भगवान को जो भी है पैसे दे देंगे तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारा कैपेबिलिटी का हिसाब से, हमारा प्यार का हिसाब से हम लोग भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो उसी से भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो ये जो है, तो भगवान हमारा प्यार का भुखारी है, वो उनको प्यार चाहिए एंड वो प्यार के लिए ही तरसते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को भगवान को अर्पण करने के टाइम में प्यार का साथ में अर्पण करना पड़ेगा, और अदरवाइज ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू एनीथिंग एल्स। तो इसलिए भगवान को प्यार से हम लोग का श्रवण भी करते हैं, उनका सेवा का हिसाब से, प्यार का हिसाब से उनका चैंटिंग करना चाहिए, उनका उनको प्यार से। तो हर चीज हम लोग भगवान को अर्पण करना है तो प्यार से करना पड़ेगा। भगवान उसमें देखते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्यार और प्रीति। थैंक यू। हरे कृष्णा। एनी बडी? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु दीप्त। मत जानिया थिला यदि आत्मा किसी कंट्रोल करूनि माने गो कर्म किसी पाप कर्म कि पुण्य कर्म करिव जीव ताको यदि आत्मा कंट्रोल करूनि ताले के भी एमती कंडीशन आसे कि आत्मा भी कंट्रोल करि पारे। आत्मा कंट्रोल देखो जे कोन जे काम पे हमर अच्छी भागवतम रो जे भगवदगीता 18 अध्याय रे पांचटा फैक्टर्स अछि ना हू इज द डूअर। तरे हैदराबाद इस्कॉन टेम्पल रे गुरु महाराज आसले तापर क्लास दिला परे पचाले आर यू ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग द भगवदगीता वेरी स्क्रूटिनाइजली तो आई विल आस्क वन क्वेश्चन देन से पचाले हू इज द डूअर हू इज द डूअर ये करता के हाँ मुँह प्रथम हाथ खड़ा कर दिल गुरु महाराज कहले हुई डियर डुअर मुँह कहली जे नहीं हाँ प्रकृति क्रिया मारणी गुणी कर्मणी सर्वेश्वर प्रकृति द्वारा सब कुछ हूँ बोल नाई नहीं तापरे यार बतेले जरे फाइव फैक्टर्स एक्शन सदी यार पांच फैक्टर्स से। तो हम लोग गीता को पढ़ा पढ़ला पर कन्फ्यूजन हो जाए बहुत कन्फ्यूजन है गोटे जगह लिखा प्रकृति क्रिया मानी गुणी कर्मणी सर्वस्व अहंकार विमरात्मा कर्ता मित्र मनाते कर्ता किए प्रकृति द्वारा सबकि हूँ मेटेरियल नेचर सत्र जोतम गुण द्वारा चलती कि आम हूँ मुझे डुअर तेना श्लोक कहगला कि श्लोक मैंने कौ जगह कौन कहगला कौ सेन्स कौटी कहगला तेना गुरुदेव गाइडेन्स अनुसार न बुझे आम किसी बुझ पारे तेणु से फाइव फैक्टर्स एक्शन कहे जोटा कि बार बार आम कौ तो 18 अध्याय को जीवे अपन से देखिए दर फाइव फैक्टर्स ये सोल डिजायर करियो हम बार बार इतना तरह कोई जो मैंने को केस रे भी सोल तो प्रथम डिजायर करियो डेफिनेटली क्योंकि सोल कंट्रोलर नु है तार तो आई एम नॉट द डूअर सेडी को हालत एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डूअर्स आर देयर तीन प्रकार डूअर्स करता आछन फोटो जी सोल आई एम द डूअर ये मेंटालिटी ठीक नहीं मु हो जी मु करता नहीं तो करता मु नु है भगवान भी करता नु अंती प्रकृति भी करता नुहे ये सब कम्बिनेसन करता इन दिस सेंस दैट मु करता कहल भी भूल प्रकृति करता कहल भी भूल आ भगवान सिंपली एका करता कहल भी भूल होगा तेना भगवान से कह न देते कचित पापम मुझे जब करता ही था तो सब पाप भी जो तुम रहा मुझे रेस्पनसबिल ना जमी पुण्य भी है मुझे करुच्छी मुझे रेस्पनसबिल से कहे ना ना मुझे रेस्पनसबिल नुहे तार तो सी करता नुहति करता मु अच्छा मुझे करता तो मुझे जहाँ चाहिए सब करदेवी मुझे करता आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर आई डिजायर आई कैन डू नॉट पॉसिबल तो देन प्रकृति तो प्रकृति सब किसी कर दी पाई था नहीं सोल एंड प्रकृति भगवान करो एनर्जी बट ये जो फैक्टर टा से लिमिटेड इंडिपेंडेंस टा गॉड हैज गिवन सम माइनर इंडिपेंडेंस टू एवरीबॉडी एवं से माइनर इंडिपेंडेंस को यूज करके जने भगवान कर सेवा करिवो कि निजर सेवा रे मायर सेवा लागिवो ता ऊपर डिपेंड करे भगवान जदि ताको जदि फुली कंट्रोल करनेबे ताले से आ तार इंडिविजुअलिटी किसी रहिवो नाही से जड़ सहित समान से पई पांचटा फैक्टर से जाय गला जे सोल डिजायर करिवो देन तार इंद्रिय रहिची इंद्रिय अनदर फैक्टर इंद्रिय माध्यम से एंडियोर करिवो एंडियोर में चेष्टा थर्ड फैक्टर एवं तापर एनवायरमेंट बाय सिचुएशंस अनदर फैक्टर्स बाय प्लेस तो प्लेस अनुसार देन फिफ्थ रे हूँ भगवान सुपर सोल सैंक्शन करती सी सैंक्शन कर फाइनाल अथॉरीटी भगवान
କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ସୋଲ୍ ଫୁଲି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବି ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍, ହେଲେ ବି ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ ଇନ୍ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସୋଲ୍ ଡିଜାୟର୍ କ'ଣ କରିବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟର୍ କଲା ଭଗବାନ ସେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ତାର ତେଣୁ ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ଥ୍ରୀ ଡୁଅର୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଡୁଅର୍ ଭଗବାନ, ଏନାଦର ଡୁଅର୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏନାଦର ଡୁଅର୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ସରେ ହିଁ ସାରା ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯଦି ମୋ ଡିଜାୟାର ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ମାନେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ବା ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ଯେଉଁ ସତ୍ୟତମ ଗୁଣରେ ବନା ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଯାହାର ଇନଚାର୍ଜ ମାୟାଦେବୀ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ତ ଇଏ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରେଇବେ। ମୁଁ ଡିଜାୟର କରିବି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ସେଥିରେ ଲଗେଇବି ମୁଁ ଖୋଜିବି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସେଠି ଚୋରି କରିବାର ଅପରଚୁନିଟି ଥିବ, ତାକୁ ଚୋରି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ହେଲେ କି ଭଗବାନ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନକଲେ ଚୋରି କରିପାରିବା, ତ ସେଇପାଇଁ ଇନ୍ ଗୋଟେ କୋଇ ବି ସେନ୍ସରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ହାୟର ଅଥରିଟି ହେଉଛି, ଫାଇନାଲ ସାଙ୍କ୍ସନିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମେଜର ରୋଲ୍ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଡିଜାୟାର ଗଲତ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ହୁଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ବେଡ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଏଇଟା କହିଲେ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଡୁଅର୍ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ବି ଗୋଟେ ଡୁଅର୍, ଯଦି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ଡୁଅର୍, ଆଉ ମାୟାଦେବୀ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଏନର୍ଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଡିଜାୟର ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ତାର ଥ୍ରୀ ଡୁଅର୍ସ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଡୁଅର୍ ସେଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିଅର? ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିପ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଜିଲି ପଢ଼ିକି କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଏରେ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଯିଏ କ୍ଲିଅର କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ କ୍ଲିଅର କନସିୟସନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଭଗବଦ୍ଗୀତା ମୋର ସାଙ୍ଗଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଥିଲି ତାର ଆଜମା ହଉଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି, ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯାଏ, 8:30 ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତା ଘରେ, ସେ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ନେଇଥିଲା ଭଡ଼ାରେ, ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଖଟା ଥିଲା ତାର ଚାଲି ପଳାଏ, ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି, କହିଲା ଏଇ ଗୀତା ଥିଲା ପ୍ରପାଦ ସବୁ ଥିଲା, ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି ତୁ କେଉଁଠୁ ବୁଝୁଛୁ, ଏ ସବୁ ବୁଝିଗଲି, କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଭିଂ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ କ୍ଲିଅର କନସିୟସନେସ୍, ନାହିଁ କ୍ଲିଅର ରହିବନି, ଗୁରୁ କନସିୟସନେସ୍ ହେଲେ ଯାଇ କ୍ଲିଅର କନସିୟସ୍ ଆସିବ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିଅର? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି, କାରଣ ଏମିତି ବହି ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଖିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରପର ସୋର୍ସ, ଆମେ ଯଦି ଅବୈଷ୍ଣବମୀ ଖଗ୍ରନାଥ ମୃତ ହରି କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ସର୍ପୋଚିଷ୍ଟ ଯଥା ପୟ, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ବନାପାଠ ସୂତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପଡିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ବଡ଼ି ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଭୋଟିସ୍। ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଆଜ କା ଡିସ୍କସନ୍ ଥା, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥା ଔର ଇସ୍କା ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଆପ ଦିଏ, ଯୋଉ ପହିଲେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ ଫିର ପ୍ରଶ୍ନ ଫିର ଯୋ ଉସ୍କା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ହେ, ବହୁତ ହି ଗହରା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେ ଇସ୍କା। ତୋ ଯୋ କର୍ତ୍ତା କୌନ ହେ ଉସ୍କା ଯୋ ଆପ ଡିଫାଇନ୍ କିଏ ହେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କା ଏହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେ। ତୋ ଗୀତା ଯୋ ପହିଲେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନହିଁ ହୋତା ହେ, ଗୀତା ପଢ଼ନେ କେ ବାଦ ହୋ ଜାତା ହେ। ତୋ ଉସମେ ଯୋ ଯନ୍ତ୍ର ରୁଢ଼ାନି ମାଏ ୟା ଏକ ଶ୍ଲୋକ ହେ, ଉସମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆତା ତ ମାଲକାନଗିରି ମେ ସବ କଲେକ୍ଟର ଥେ, ଇସି ପର ପୁରା ଦୋ ତିନ ଦିନ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହୋକେ ରହି ଗଏ, ଅମେ ପ୍ରଭୁ ଗଏ ଥେ ତ ଉନକା ଓ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କିଏ ଓଲି ଯୋ ମାଇନର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେ, ଓ ଜବ ସମଜ ମେ ନହିଁ ଆତା ହେ ତ ବହୁତ ସାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ମତଲବ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆ ଜାତା ହେ। ତୋ ଇସକା ସହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆପନେ ସାର ସମଝାଏ ହେ, ଔର ବାକି ଯୋ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ବାରେ ମେ ଯୋ ବୋଲେ କି ଉନକୋ ଭୁକ ନହିଁ ଲଗତା ହେ, ନହିଁ ଲଗତା ଭି ହେ,
उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया बहुत ही परफेक्ट और करेक्ट है, तो समझने वाला है। उसी हिसाब से वी कैन रेसिप्रोकेट विथ गॉड। ये सब एक्सपीरियंस और अनुभव से ही आता है। जो सुने हैं सीनियर डिवोटी से, गुरुदेव से, तो ये गीता के ऊपर उन्होंने अपना जीवन दिया है, तो इसी हिसाब से वो नॉलेज, रियलाइज नॉलेज जो है, एसेंस जो है, वो निकल के आता है। जो कि ये जो कृष्ण भावना मत अमृत जो बह रहा है, तो उसका जो प्रभुपाद महाराज अपने परंपरा से लेकर हम सब की तरफ ये पहुंचा है अपने सत शिष्यों के द्वारा, तो उनके माध्यम से, और आप उसको भी वितरण अभी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृतज्ञता। Thank you. Nothing is mine. All credit goes to my teacher and this parampara and my Gurudev. ये मेरा कुछ नहीं है, सारे चीज हम जो सुने हैं उसी को बता रहे हैं, और ये क्लियर कॉन्शियसनेस उनका कृपा से होता है। अगर कॉन्शियसनेस हम लोग बाद में आएगा, लेकिन वो जो थ्योरी को उतना समझना इतना आसान नहीं है, तो वो जो उनका कृपा होगा तभी समझ सकते हैं, उनका बिना कृपा से हम लोग समझ नहीं सकते इसको। और इसको 50 बार भी डिस्कस हुआ होगा फिर भी वी विल बी फॉरगेटिंग इट, लेकिन इसका डीप इम्पैक्ट जो आप बोले कैसे आता है, तो उनका कृपा से आता है। हम उनका प्रति कितना श्रद्धा और कितना हम लोग डेडिकेशन से रखे हैं, और उनका वार्ड का प्रति कितना भरोसा है, और उनके लिए उनका कितना श्रद्धा अपना हृदय में है, उनका रेसिप्रोकेशन में कृपा से ही होता है। तो उस दिन भी जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे लास्ट को पानंबर मिश्र हमारा एक्सपीएशन एक एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे जाने का पहले वो थे, तो बोले थे कि हमारा मन जो है कृष्ण का तरफ आता है, कब आता है? तो बोलते हैं कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, हो पा रहे हैं थोड़ा सा जो भी है ना, ये गुरु का, वो बोले कृष्ण का कृपा से होता है। तो मैं बोला नहीं, खाली कृष्ण नहीं है, ये गुरु का कृपा होता है, तभी हम कृष्ण का पास में माइंड रख सकते हैं। तब वो तो बोल रहे थे कृष्ण कृपा से होता है, मैं बोला कृष्ण कला नहीं है, इसमें गुरु का कृपा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दोनों का कृपा होता है, गुरु कृष्ण कृपा होने से ही होता है, ये दोनों का पैरेलल लाइन है। तो गुरु कृष्ण कृपा से वो कैसे आता है, एक भक्त का हृदय को टच करना है और कुछ नहीं है। इफ यू डोंट डू एनीथिंग जस्ट स्लीप ऑल्सो नॉट नो प्रॉब्लम, बट इफ यू कैन टच द हार्ट ऑफ अ डिवोटी एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन कंपेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी इसको पूरा होल वर्ल्ड को जय कर सकता है, उसको क्या चाहिए। आप सुनने अच्छा से ठीक है, सुनना है, जॉब करना है, सब कुछ करना है, वो तो माइंड नहीं करता है, सुनने भी माइंड नहीं रहता है, अभी बोलते हैं कल तो तुरंत भूल जाते हैं, मेरा सिचुएशन आप सोच रहे। तो हर चीज तो करना ट्राई करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका माध्यम में आपका सिंसियर एफर्ट है, वो एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं भगवान। तो ये एफर्ट से हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हमारा तो पोजिशन कुछ है ही नहीं। तो प्रभु बार बार वही एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद का एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन, तो ये डिटर्मिनेशन सिंसियरिटी अप्रोच होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त्व कर्म प्रवर्तन, तो उत्साह के साथ में उस निश्चित का साथ में, तो डिटर्मिनेशन लाइक ए स्पैरो, प्रभुपाद ने एग्जांपल दिए 6 चैप्टर में। तो एक स्पैरो क्या करता है, घर चटिया बोलते हैं भाई चढ़ी, तो ये क्या करता है, उसका अंडा है वो पानी का समुद्र का किनारे अंडा दे दिया, उसका बाद में चला गया बाहर में गया है, आने का अंडा है ही नहीं, तो समुद्र उसको ले गया, तो उसको समुद्र का ढेर आके ले गया उसको, तो समुद्र आके ये स्पैरो बोलता है कि समुद्र जी को बोलते है कि आप मेरा जो अंडा लिया उसको रिटर्न कर दो, तो वो हंसता है, हमारे टीचर से बोलते वो हंसता है, हंस के बोलता है क्या अंडा, अरे यार छोड़ो यार। तो देन ये बोलता है अगर आप नहीं रिटर्न करोगे तो आई विल ड्राइव आपको सुखा देगा, अरे हाँ ठीक है, फिर हंसता है क्या सुखाएगा ये। तो देन वो एक उसका एक मैं जो है ना चच्चू में लेके एक पानी थोड़ा सा लेता है फिर ऊपर फेंकता है, इस टाइप करते 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 ये खबर जो है पहुंच गया गरुड़ के पास में। हमारे प्रभु बोल रहे थे उस रास्ते में गरुड़ जा रहे थे, हमारे टीचर बोलते थे कि गरुड़ के पास में खबर पहुंच गया, तो वहां पे गरुड़ को पता चल गया कि मेरा एक छोटी सिस्टर है, प्रभु बोलते भाई है ये सिस्टर है, कोई बात नहीं मेरे कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसीलिए वो बोला कि मेरा एक छोटी सिस्टर है वो इस टाइप का पानी लेके इसमें कर रहा है समुद्र को सिखाने के लिए, क्या हो गया इसका तरह देखते हैं। तो समुद्र को उनको पता चल गया कि ये तो क्या हुआ तुम्हारा इस टाइप का है, मेरा अंडा को ले गया है, तो कोई बात नहीं। तो फिर गरुड़देव ने बोले समुद्र को आप इनको अंडा रिटर्न कर दो, अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो ये जो काम कर रहा है वो काम हम करेंगे।
तो अगर गरुड़ जी इनको सुखाएंगे तो उनको कोई दिक्कत दिक्कत डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि गरुड़ देखिए गरुड़ का पृष्ठ का ऊपर में भगवान तो इसको मंदरा पर्वत को लेके आए थे, है ना। तो इसका मतलब उनका क्या कैपेबिलिटी है, भगवान का जो है वो भक्त होता है, भगवान का जो है बाहन है, भगवान का जितना पावर है उसका बाहन का भी पावर कम नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं शिव जी का पावर जो है जो ये बुल है नंदी है उनका पावर में भी बहुत पावर है, पावर इन द सेंस दैट ही कैन टेक अस टू शिव जी, सिमिलरली ही कैन टेक अस टू कृष्णा। तो ये उनका कृपा से होता है। तो वही होता है कि कोई ऑफिस में जाते हैं, जैसे हम लोग बार बार वही एग्जाम्पल देते हैं कि कोई पियोन का थ्रो में जाते हैं तो भी अप्रोच डायरेक्ट जाने से कोई ऑफिसर टाइम नहीं देता। तो इसीलिए ये यहाँ पे भक्त का वही महानता है, तो इसीलिए गौरव जी का महानता ये था। तो देन उसका बाद में ये डर गए, तो जो है उसका बाद में वो अंडा को समुन्दर रिटर्न कर दिए। तो इसीलिए वो सोचे नहीं थे कि जो स्पेरो छोटा पक्षी को भी सोचा नहीं था कि उसका डिटर्मिनेशन था मैं सुखा दूंगा उनको, लेकिन पता नहीं था कि कोई आके मेरे को हेल्प करेगा, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन देख के कोई हेल्प किया। इसलिए हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हम चेष्टा करना चाहिए, हमारा अपना बलबूत में हम कर लेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए कि हम अगर ट्राई करेंगे तो भगवान का कृपा जरूर रहेगा। अगर सही डिरेक्शन में ट्राई करे, किसी भक्त का गाइडेंस में ट्राई करे, तो एक ना एक दिन वो भक्त हमारे लिए प्रेयर कर देगा तो हमको भगवान ले जाएगा बस। तो हम लोग उनका बात में चलना पड़ेगा, वो जो चाहते हैं वही करना पड़ेगा हमको। वो जानते हैं मेरा कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो कृपा कर देगा शुद्ध भक्त तो भगवान तो कंपेल्ड हो जाएंगे हमको लेने के लिए। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं बड़ा बड़ा चीज करने का, एक भक्त का अधीन में रहकर सेवा करना है। क्या सेवा करना है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये वो क्या चाहता है वही करिए ना। हम लोग क्या करते हैं उसको नहीं, हम अपना बुद्धि लगाएगा ये करेगा वो करेगा, अरे कुछ नहीं करेगा। तो वो कितना कर लोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सो ट्राई टू बी इन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हार्ट ऑफ द डिवोटी। बोलने का बाद में भी लोग नहीं जान पाते, और फिर हम लोग क्या मतलब नहीं बोलने से क्या करेगा। फिर हमारा टीचर तो सब एक्सप्रेसली बोल दिया, उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब नहीं बोलते तो फिर क्या करते हैं हम लोग। तो दिस इज द थिंग। एनीवे थैंक यू फॉर ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीचर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? सुशांत सर, हरे कृष्णा सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, सो वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। जो भगवान है वो किसी को तो माने हेट करते नहीं कि आदर भी करते नहीं, वो जो जैसे चाहेंगे वो इसे रेसिप्रिकेट होगा। तो हम लोग वो श्रवण, आप आज बोले, आप तो सब क्लास में बोल रहे, फिर कल जो संदीपनी मुनि प्रभु जो क्लास दिए थे भगवतम क्लास में वो बोले थे, तो हम हर टाइम हम लोग को सुनना चाहिए। श्रवण माध्यम में हम लोग जो भी हो डेली डेली सुनेंगे तो कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम लोग फूल के पास जाएंगे तो उनका टेस्ट हम लोग को पता चलेगा, अगर नहीं जाएंगे कैसे पता चलेगा। तो आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, डेली डेली जो रेगुलरिटी हो रहा है मेरे को कुछ ना कुछ मौका मिल रहा है सीखने के लिए। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग टुडे। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, तो ये तो इसमें एक पॉइंट में चेंज करना चाहता हूँ। जो आप सोच रहे हैं कि भगवान किसी को प्यार नहीं करते हैं या ये जो कहने का मतलब, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। तो भगवान सबके लिए समान होते हैं, सर्वम माने समम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टि न मैं प्रिय, ये भजनते माँ भक्त मोहित तेषु चापि हम। तो मैं भगवान बोले मैं सबके लिए समान, लेकिन जो मेरे साथ में प्यार से डीलिंग करता है मैं उसको सेपरेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखता हूँ, तो भक्त के लिए सेपरेट है। ये पाप का बारे में जो बोले ना, अदिति कश्चित पापम न चैवम सुकृतम बहु, तो वो पाप या पुण्य का भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अज्ञान न अवृत ज्ञानम तेना मुहंती जंतव। तो जो जंतु मतलब लिविंग एंटिटीज अपना अज्ञान के द्वारा अवृत हो गए, वो ज्ञान को भूल गया तो फिर इसलिए पाप करता है। और मैं पाप का भाग ही नहीं लेता हूँ कि पुण्य का भी भाग नहीं लेता हूँ, तो इसलिए। लेकिन भगवान प्यार करते हैं, जो भक्त को बहुत प्यार करते हैं सबको करते हैं, लेकिन भगवान को स्पेशली प्यार करते हैं, उनका ये है क्वालिटी।
थैंक यू। एनीबॉडी? हमारा सरोज, सरोज सर कुछ करेंगे, कहेंगे क्या? सरोज कुमार प्रभु, थैंक यू। कैसे लग रहा है क्लासेस? हाँ सर, बहुत सही लग रहा है। और ये पहली बार मतलब ये एक सप्ताह हुआ है अभी, तो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे और धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो शाम को भी प्रोग्राम है, आप वहाँ आ सकते हैं। वहाँ पे सर आज एक्चुअली मैं सर एक हफ्ते से अभी अहमदाबाद में हूँ, अभी मंडे से अहमदाबाद में आ गया। और ज्वाइन कर लिया उधर? हाँ हाँ, मंडे से ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया है। लेट योर पाथ बिकम ऑल फुल ऑफ रोजेस एंड गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल्ली, सो दैट वी प्रिपेयर टू लॉर्ड। सो आगे आगे बढ़िए भक्ति मार्ग में, वही लास्ट में वही मिल सकता है। तो सक्सेस का डेफिनेशन वही होता है, भगवान का कृपा मिलने से सक्सेस हो सकता है। हम लोग चेष्टा किया है, पढ़ाई आप लोग किए बहुत किए, बट भगवान कृपा नहीं करते तो फिर हम ये सक्सेस नहीं होता। इसलिए भगवान का कृपा बहुत, चेष्टा का साथ में भगवान का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटर्मिनेशन चाहिए लेकिन भगवान कृपा उस टाइप करते तो बढ़िया है। तो आपका वो जो डिटर्मिनेशन था, वो जो डिटर्मिनेशन है जिसे आप पढ़ाई में लगाया है और अच्छा नौकरी में चले गए तो अच्छा है। उसी डिटर्मिनेशन को रखिए, दोनों पराली रखिए, भक्ति मार्ग में भी उसी को भी लगाइए एंड भगवान का सेवा में उसको भी लगाइए वो डिटर्मिनेशन को। एंड अपना ड्यूटी करते रहिए, पराली अपना जो भगवान का सेवा में भी उस इक्वल अपॉर्चुनिटी टाइमिंग एंड कुछ हो सकता है देना है, डिटर्मिनेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू। और कुछ बोले? ओके ओके ठीक है। आचार्य प्रभु कुछ? हरे कृष्णा, माय हम्बल ओबीसेंसेस टू ऑल द डिवोटीज। उड़िया में बोलते हैं क्योंकि नितेश प्रभु तो है नहीं, अभी वो थोड़ा कुछ दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बट आज का जो क्लास था बहुत ही अच्छा था। इसका मुझे यही लगा कि रियलाइजेशन, हम अगर खुद को मतलब आवर सेल्फ और जो प्रकृति का जो प्रकृति का जो दिनी रज्जु अच्छी सत्व रज तम रज्जु तार एवं भगवान तीन जन भितरे थिबा एक्यूरेटली जो रिलेशनशिप है उसको ताकू जदि आम ठीक से बुझी पारिबा ताहले आम फुली एनलाइटेंड बा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पारिबा। किंतु जहा आज आलोचना हला तार से आलोचना ही सारांश जे ये जो निज को बुझीबा आमे शरीर बा आमे आत्मा बा आमे सटल बॉडी ये सब भीतर रो जो संपर्क ताकु नै कि पुणी प्रकृति सहित थिबा आमर संपर्क काहे कि ना आमे ऑलरेडी ए बद्ध जीव हिसाब रे देही हे सारिचो, तेनु देह आमको मिलि सारिचे, तेनु आत्मा ऑलरेडी ग्रॉस आउ सटल बॉडी रे कबलित हे सारिचे। तेनु ए भीतरे उसके उसको लेकर के हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तभी हम समझ मतलब तीनों मतलब ये प्रकृति जो है और भगवान और खुद ये तीनों को लेकर के उनके अंदर में जो इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है वो क्रिटिकल है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली है, सबके लिए है, मेरे लिए तो पूरा डिफिकल्ट है। तो इसको समझना ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझने के लिए तो है नहीं, हमारा बस की बात नहीं है। तो जो गुरु है, जो साधु है, वैष्णव लोग हैं, उनका कृपा चाहिए। तो उनका कृपा है तो मतलब हम समझेंगे कि भगवान के कृपा इनडायरेक्टली हमको मिला है तो ही तभी हम समझ पाएंगे और उसमें रह के कुछ कर सकते हैं। यही मुझे लगा आज। हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज अगेन। वैष्णव के साथ में रहने से ही ये समझ आता है और समझते समझते धीरे धीरे पूर्ण ज्ञान की ओर सब लोग बढ़े। मैं भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। अजय मधुस्मिता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज प्रभु आज क्लास बहुत भल लगला और किछि कथा बड़े बड़े लागे सब बुझी जाइछु किंतु बहुत सारा कथा किछि बुझी न था बुझी पर न पढ़ी दउछु जो क्वेश्चन आंसर जोड़ा होउछि डिस्कशन द्वारा आउ टिके बहुत से भल से क्लियर हो जाउछि कथाटा टिके बुझी होउछि आउरी भल से ଆଜିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେବା ଯାଏ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜେ ଜୀବ ଭାବେ ଯୋଉ କଥା ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲା ଆଜି ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଗୀତା ପଢ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲସେ ବୁଝିନଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି ଏତେ ବୁଝିଲେ ବି କିଛି ବୁଝିନି ଭଳି ଲାଗୁଛି କିଛି ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯଦି କଥା ହୁଏ ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ କରୁଛନ୍ ଦ୍ୱିପରେ ତ ଅଭିଷେକ ଅଛି ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆସିପାରିବେନି ବଟ୍ ଦଶଟା ଦଶଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିପାରିବେ ଉତ୍ସବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆସିଲା ସୁସଂସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୁର୍ଲାରୁ ଯୋଉମାନେ ବୁର୍ଲା ଗ୍ରୁପ ରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ ସ୍ଲିପର ଟିକେଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ତେଣୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଏବେ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଯାଇ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିସିସନ ବିକଜ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଥିବ କିଛି ଥିବ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି